हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक डिसोल्डिंग मशीन जिसको बनाना बहुत ही आसान है और हम इसका यूज करके किसी SMD LED को MEC PCB को बहुत ही आसानी से डिसोल्डिंग कर सकते हैं और LED को भी बहुत ही आसानी से सर्किट के ऊपर लगा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस डिसोल्डिंग मशीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ पार्ट्स है जो मैं ले लिया हूँ। देख सकते हो, ये बेसिक से पार्ट्स है जो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो ये एक हीटिंग एलिमेंट जो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। ये एक हमारा हीट सिंक जो मैं पुराना LED बल्ब से निकाल लिया हूँ। अब देख सकते हो, इसको मैं सीधा कर लिया हूँ पीट के राउंड शेप में। और ये दो स्टैंड मैं जेब जो जेड होती है उस टाइप के बना कर रखा हूँ और दो दो करके होल्ड करके रखा हूँ एक एक लेग के ऊपर, देख सकते हो। और ये एक क्लिप जो मैं बना लिया हूँ वो भी एलुमिनियम शीट से। तो आप एक पुराने LED बल्ब से ये सारा सामान आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हो, मैं इसको यहाँ से बना लिया हूँ। तो अब हमें ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको फिट करना है इस जो हीट सिंक है इसके ऊपर। तो ये ऊपर साइड है और ये इसके नीचे साइड है। तो हमें इसको कुछ इस साइड फिट करना है। तो यहाँ पर मैं चार होल किया हूँ, देख सकते हो, दो दो करके, दो लेग के लिए और दो क्लिप को इसके ऊपर फिट करने के लिए। तो हम हीटिंग एलिमेंट को पहले इसके ऊपर रखेंगे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, और क्लिप को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा के स्क्रू के द्वारा फिट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें होल्ड करके रखा पहले से, आप देख सकते हो। तो मैं स्क्रू को लूँगा, दो छोटा छोटा स्क्रू, और इसको यहाँ पर फिट कर दूँगा। तो मैं इसको फटाफट लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको लगा दिया हूँ, देख सकते हो बहुत अच्छे से ये फिट हो चुका है, एकदम कोई भी लूज नहीं है। अगर लूज रहेगा तो ये हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। अब हमें ये जो लेग है इसको यहाँ पर फिट कर देना है। तो ये जो लेग है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे एक एक करके, और इसको स्क्रू के द्वारा इसको भी हम टाइट करेंगे। आप चाहे तो नट बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। जो लेग है इसके ऊपर हम थोड़ा बड़ा स्क्रू यूज़ करेंगे, देख सकते हो, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको फटाफट रेडी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो, मैंने इसको फिट कर दिया और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट का काम है वो एकदम रेडी हो चुका है। बस अब हमें कुछ पार्ट्स चाहिए, और ये है इसका इनपुट का वायर। तो हम ऑन ऑफ करने के लिए एक छोटा सा स्विच यूज़ करेंगे, और इंडिकेटर के लिए एक LED जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक 100 kΩ का रजिस्टर को सोल्डरिंग करके रखा है। तो दोस्तों, स्विच और जो LED है इंडिकेटर, इसको हमें फिट करने के लिए एक बॉक्स है जो मैं बना कर रखा हूँ प्लास्टिक शीट से ऑलरेडी, देख सकते हो। ये एक बॉक्स इस साइड हमें एक होल करना है, और यहाँ पर हमने एक होल करके रखा है पहले से ही। और यह भी हमें एक होल और एक स्विच के लिए कटिंग करके रखा है, ये LED के लिए और ये स्विच के लिए। तो स्विच यहाँ पर बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा, और इंडिकेटर भी जो LED ये भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिट होगा। तो दोस्तों, मैं इन सब को साइड में करूँगा, और ये जो दो पार्ट है इसको हम एक बेस के ऊपर रखेंगे। तो हम यूज़ करेंगे जो लकड़ी का पीस है, छोटा सा यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर ये जो पार्ट है बहुत ही आसानी से इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये पर हम स्क्रू का यूज़ करेंगे, और जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसको चिपकाने के लिए हम ग्लू स्टिक का यूज़ करेंगे। तो चलिए, मैं इसको फटाफट फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये अच्छे से चिपक चुका है, देख सकते हो। ये जो वायर है, इन दोनों को हम इसके अंदर कर लेंगे, ये जो हीटिंग एलिमेंट को वायर है। तो मैं इसको फटाफट इसके अंदर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा अंदर हो चुका है। अब हम इन जो वायर है इसके ऊपर हमें जो इंडिकेटर को वायर को सोल्डरिंग करना है। तो इंडिकेटर को वायर के ऊपर हम दो वायर को सोल्डरिंग करके इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो मैं इसको फटाफट सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सोल्डरिंग हमारा हो चुका है, और शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हम फाइबर स्लिप को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एकदम अच्छे से हो चुका है। अब हमें इन वायर को पहले छीलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके ऊपर कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट छील लूंगा। तो दोस्तों, ये हमारा डन हो चुका है। अब हमें इन दोनों वायर को, जो हीटिंग एलिमेंट के वायर है, इसके ऊपर हमें अच्छे से मोड़ लेना है। तो मैं इसको फटाफट मोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। अब हमें लेना है एक, फिर से एक वायर लेना है, और इसके ऊपर हमें मोड़ देना है। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप मोड़ सकते हो, मैं फिलहाल इसके ऊपर मोड़ दिया हूँ। तो ये हमारा डन हो चुका है। तो हम इसके ऊपर हमें पहले स्विच को सोल्डरिंग करना है पड़ेगा। तो पहले हम टेप को लगा के इसको कवर कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। तो हमारा टेप से कवर हो चुका है। अब हमें स्विच के ऊपर इसको सोल्डरिंग कर देना है फटाफट। तो दोस्तों, स्विच के ऊपर हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। तो अब हमें लेना है एक कॉर्ड,
आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, फ्लेक्सिबल वायर भी ले सकते हो। मैं पहले कॉर्ड को लगा दूंगा इसके ऊपर और इसको भी हम पहले फेविक के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे। तो दोस्तों ये हमारा अच्छे से डन हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इन दोनों को बीच में हमें इसको मोड़ना है और इसको भी अच्छे से फेविक के द्वारा आप चिपका सकते हो और ब्लैक टेप के द्वारा भी कवर कर सकते हो। मैं पहले इसको मोड़ूंगा उसके बाद इसको ब्लैक टेप के द्वारा कवर करके इसको फेविक के द्वारा अच्छे से चिपका दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा डन हो चुका है। अब जो वायर बचा है इसको हमें सोल्डिंग कर देना है स्विच के दूसरे वाले लेग के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा अच्छे से डन हो चुका है। तो हम इंडिकेटर को इसके ऊपर लगा देना है और स्विच को भी यहाँ पर लगा के इसको अच्छे से फेविक के द्वारा कवर कर देना है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा अच्छे से डन हो चुका है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इंडिकेटर ग्लो करेगी और ये हमारा अच्छे से काम करेगा। तो मैं इसको 220 वोल्ट एसी में दे दिया हूँ और देख सकते हो गाइस इंडिकेटर ग्लो कर रही है। तो ये हमारा डन हो चुका है। तो दोस्तों स्विच ऑन है और ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा इंडिकेटर जो खराब हो चुका है तो इंडिकेटर इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम दो MCPCB को लेंगे और पहले ये DOB है गाइस, तो हम DOB के इसके ऊपर रखेंगे। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है और मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो ये IC डायोड वगैरह LED को अच्छे से रिसोल्डिंग कर रहा है। और आप इसको चाहो तो उल्टा भी यूज़ कर सकते हो, लगा भी सकते हो LED इसको ऊपर। तो मैं लगा करके आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो गाइस सारे LED हमने रिसोल्डिंग कर लिया है। तो देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो देख सकते हो दोस्तों मैं IC को लगा दिया हूँ, डायोड को भी लगा दे रहा हूँ एक एक करके, और LED को भी अच्छे से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ये अच्छे से काम भी कर रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों ये मशीन जो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों जो मशीन का इंडिकेटर है वो ख़राब हो चुका है तो इसलिए इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर।